दिन के रेस्ट के बाद आज फिर बरसात शुरू हो गई है सुबह ही, और सुबह से ही बरस रही है 7 बजे से। देखो अब सोच रहे थे कि चली जाए, लेकिन नहीं जा रही, क्या किया जाए इसका। अब तो नुकसान ही नुकसान है, मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है और ये बीमारियों का घर है ये बरसात। तो अपने आप को बचा के रखो, थोड़ा गर्म पानी से नहाओ और बरसात में नहीं भीगो बस। आज थोड़ा सा मशीन का काम किया, एक दुपट्टे के पीको करी, ये इसके धागे से निकल रहे थे। पता है आपको, मैं थोड़ी बहुत सिलाई भी कर लेती हूँ, तो कल मैंने एक चुन्नी के पीको की थी, एक नहीं 2-3 चुन्नियों के पीका की थी, और आज ये कमीज बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मैंने गला बनाया, ये गला आज कल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो गला मेरा बन गया। काट के मैं उस घर से लाई थी, सोचा कि बैठे बैठे सील लेती हूँ, तो अभी बाजू की तैयारी कर लेती हूँ और जब पूरा हो जाएगा तो आपको पहन के दिखाऊंगी। ये सीधा ही है ना, मैंने वो लीलन का है तो कुर्ता टाइप इसका सील लेती हूँ थोड़ा सा डिज़ाइन दे के। तो मशीन मेरे पास है, ये पिको भी करती है और अच्छी स्टिचिंग भी करती है। तो गला बताना आप कैसा बना है, ये देखिए। यहाँ ये मैंने थोड़ा यहाँ कच्चा किया था, तो ये धागा रह गया, धागे दुगे काटने हैं। और ये लंच और ब्रेकफास्ट के बीच का टाइम है, ये टाइम थोड़ा खाली सा ही जाता है, तो चलो कि यही काम कर लिया जाए किया था। और अब इसके तरपाई के लिए कर लेते हैं कच्चा, ये मैंने मोड़ के प्रेस कर लिया है और मशीन को कर लिया है फुल पर, तो ये मोटा मोटा टांका देगा, फिर हम करेंगे तरपाई। तरपाई करनी भी आपको दिखाऊंगी, और उसके बाद जो हमने ये कच्चा टांका लगाते हैं इसको निकाल देंगे। तो ये होता है कमीज की तरपाई करने का सबसे आसान तरीका, कि अगर हम एक बार इसको जमा लेते हैं और कच्चा कर लेते हैं तो फिर तरपाई करने में दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये कच्चा हो जाता है, थोड़ी सी जगह छोड़ के आप टांका लगाओ, क्योंकि यहाँ तरपाई होगी, फिर इसको हम हाथ से करेंगे। और ये एक तरफ की चाक का मैंने कर लिया, इस तरह सारे कर लेती हूँ। तो जी कमीज के कच्चा मेरा हो गया है, और मैंने इस तरह से सुई में डाल लिया धागा तरपाई के लिए, और आपको अब तरपाई करना सिखाएंगे। ये सिंगल धागा है और नीचे लगा लिया गांठ, मतलब डबल पिरो के और सिंगल कर लिया है ऐसे करके, ये दिख रहा होगा, इसके नीचे गांठ लगा दिया। और अभी शुरू करते हैं कि तरपाई कैसे करते हैं। तरपाई के लिए क्या करेंगे हम, जैसे हमने ये कमीज मोड़ रखा है तो इसके कोने में ऐसे सुई लगाएंगे और इसको ऐसे खींच लेंगे। ये देखिए सिंगल मैंने धागा लिया, तो ये गांठ छुप जाए इसमें, ये देखिए, ये जैसे हमने धागा निकाल लिया, फिर इसको ऐसे घुमा के ऊपर से लाके जहाँ तक ये यहाँ तक हमने ऐसे घुमा के और ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे सुई निकाल लेती हूँ मैं ये। तो ये हमने घुमा के सुई मैंने निकाल लिया और अब इसको खींच लेंगे ये। तो ये पोर्शन हमारा बंद होता चला जाएगा, यहाँ से बिल्कुल भी इधड़ेगा नहीं कभी भी। बाहर गिलहरियाँ देखो शोर मचा रही हैं, वो एक झूले के पीछे पड़ी हुई है, झूले का सारा वो धागा ले गए, ये वाला झूला नीचे से तोड़ दिया, वहाँ तक पहुँच गई है लेके जाते जाते। तो इस तरह से आप सुई निकालते जाओगे तो ये तरपाई होती चली जाएगी। ये मैं चाक पे तरपाई कर रही हूँ और यहाँ तक मैंने कर ली है, ये देखिए ये यहाँ है अब धागा। इसी तरह पूरी इसका फिनिश कर देती हूँ। जैसा कि मैं आपको तरपाई करना सिखा रही थी, तरपाई मेरे कमीज के पूरी आ गई है, और ये मैंने पहन के भी देख लिया है, बड़ी अच्छी फिटिंग आई है। ये देखिए गले की फिटिंग भी बड़ी अच्छी आई है, और बिल्कुल यहाँ से भी लूज़ अच्छा लगेगा, ब्लैक पे बड़ा अच्छा लुक आ रहा है इसका। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम थोड़ा सा करेंगे इस पर एम्ब्रॉयडरी। तो ये बाजू मैंने ऐसे मोड़ती है, इस बाजू पे एम्ब्रॉयडरी करेंगे और गले पर थोड़ा सा कुछ एम्ब्रॉयडरी टाइप करेंगे, उसी मशीन से हो जाएगी। वो मशीन एम्ब्रॉयडरी भी करती है, उषा जैनम की मशीन है, उसके बारे में एक मैंने आज छोटी सी वीडियो भी डाली है पीको की सेटिंग के लिए, और इस एम्ब्रॉयडरी की भी सेटिंग आपको उसी वीडियो में बता दूंगी। तो चलते हैं इसके एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, और आपको दिखाती हूँ और सिखाती हूँ कि कौन सी सेटिंग पे इसमें एम्ब्रॉयडरी होती है। कल पूरा दिन बरसात थी, आज थोड़ा मौसम ठीक हुआ है,
और ये कल बरसात में भी बेचारी घूम रही थी खाने के लिए, अब फिर आ गई है, इनको दाना दुनका दे देते हैं। क्या खाओगे, क्या खाओगे, ब्रेड खाओगे, दाना खाओगे? पहले दाना देती हूँ इनको। तो दाने का डब्बा तो हमने यहीं रख रखा है। आज मैंने दो बोतलों में मनी प्लांट भी लगा दिए, देखो एक इसमें और एक इसमें। चलो आ जाओ, ये अच्छा गिलहरे भी आ रही है, आ जाओ आ जाओ, खा लो खा लो खा लो खा लो, शाबाश। बोल रही हैं दाना नहीं खाएंगे, हमें वो दो ब्रेड दो, ब्रेड लेके आती हूँ। मैं ले आई हूँ ब्रेड और ये वहीं की वहीं डटे हुए। लो भाई लो, लो फिर लो 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 लो, देखो देखो ब्रेड को भाई ये आसानी से खागी। दाने में ना चोंच मारनी पड़ती है, इसमें कुछ नहीं लिया और खा लिया। चलो अब पानी में चले जाओ फिर, ठीक है, दाना फिर गिलहरी खा लेगी, शाबाश गो। जानवर भी क्या चट कर जाएंगे, ये देखो मेरे पीछे खड़ी है, दिखाई दे रहा होगा आपको। आ जाओ आओ 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 आ जाओ आ जाओ आओ आओ, ये खा लो बच्चा खुचा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, धीरे धीरे आएंगे, डरती नहीं है बिल्कुल भी, ले लो खा लो, शाबाश। मैं जा रही हूँ, आप खा लो खा लो। तो इस तरह से मैंने इस पर लाइनें लगाई हैं, ये देखिए, ये एंकर वाला धागा होता है, जैसे ये वाला धागा है, और इसको हम बोबिन में पिरो लेते हैं। इसको मैं निकाल दूंगी और अभी आपको लपेट के दिखाती हूँ। थोड़ा थोड़ा धागा लगाते हैं, नहीं तो ये निकलेगा नहीं या ज़्यादा हो जाएगा, और इससे हम मैं ऐसी लाइनें आपको खींच के दिखाती। तो जैसे मैं बता रही थी कि हम इस पे मशीन द्वारा कढ़ाई भी कर सकते हैं, तो ये मैंने ब्लैक से एक लाइन करके देखी है, ये एंकर का धागा लगाया है, जैसे इस तरह का धागा है वो, इस हम बोबिन में पिरो लेते हैं, इसमें लगाएंगे थोड़ा धागा लेके, ज़्यादा नहीं, और फिर इससे आपको कढ़ाई करके बताती हूँ कि कैसे होती है, अभी दिखाती हूँ। ये थोड़ा धागा मैंने काट लिया है और इस बोबिन में भर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा धागा करके करना पड़ता है क्योंकि मोटा धागा होता है, सारे के सारे धागे मतलब छह धागे होते हैं इसमें, पूरे लेने होते हैं वो। इसको मैं लपेट लेती हूँ और फिर इसमें फिट कर देंगे, उसके बाद कढ़ाई करते हैं। तो ये धागा मैंने इसमें लपेट लिया है और अब सबसे पहले हम इसमें डालते हैं और इसमें से साइड से यहाँ से इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से मैंने इसमें डाल लिया है और अब डाल देंगे सीधा का सीधा मशीन में, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे करके और फिट हो गया, ये फिट हो गया, मैं दिखाना भूल गई। अभी हम इसको कर लेते हैं मशीन में फिट, कुछ नहीं ऐसे डाल के इसको, और ये कट होता है, बस ये कट की आवाज़ आएगी, और इसको हम कर देते हैं बंद, फिर इसको लगा देते हैं ये, और अभी धागे को बाहर खींच लेते हैं। ये हमारा धागा बाहर आ गया है, इसको कर देते हैं पीछे और अभी कढ़ाई करना शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि जो सीधी तरफ हम नीचे रखेंगे और उल्टी तरफ ऊपर रखेंगे, उसके साथ साथ हम जो हमने कढ़ाई की है इसके साथ साथ टांका लगाते जाएंगे, तो इस तरफ सीधी साइड में मोटा धागा आ जाएगा। तो ऊपर की तरफ भी मैंने सेम कलर का धागा लगा लिया है और अब करते हैं शुरू, बस इसके साथ साथ हम लाइन खींचते हुए आगे तक बढ़ते जाएंगे। तो ये देखिए बड़े अच्छे से हमारा धागा आ रहा है, बस ऐसे साथ साथ आपने ले आना है। तो इस तरह से मैंने इसके हल्के फुल्के बस दो लाइनें लगा ली हैं, एक नीचे और एक ऊपर, हल्की सी अच्छी लगेगी इसमें। तो ये हो गई है हमारी इस मशीन से एम्ब्रॉयडरी पूरी। आप और भी कुछ करना चाहें तो इसमें बहुत सारे डिज़ाइन हैं, जैसे ये सारे डिज़ाइन ये बनाती है, आप कैसी भी लाइनें इसके बीच में भी बना सकते हो, लेकिन मुझे ज़्यादा हैवी नहीं करना, तो इसलिए मैंने बस यही किया है।